देख रहे हैं ना बहुत बढ़िया से देख रहे हैं आईना तो ऐसा दिखाया ऐसा दिखाया चीफ मिनिस्टर ने कि बेटा को बैठा के माए बाप को गाली दिया ऐसा आईना दिखाया की मुंहे भी खड़ा कर दिया तेजस्वी यादव को बैठा के और उन्होंने इतना बढ़िया से आईना दिखलाया और गाली दिया धन है वो बेटा जो बाप और माई का गाली सुन रहा है अपमान सुन रहा है और बैठ के सुन रहा है सत्ता का लोलुपता इतना समर्थन लेके मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं और उसी आदमी को गाली बक रहे हैं कि हमसे पहले सब खराब था आए तो सबके स्वर्ग में सीढ़ी लगा दी, बल्कि ये बात कह के खुली मंच से आरजेडी के जो मतदाता हैं, जो समर्थक समर्थक हैं, जो लोग हैं मतदाता उनको गाली दे रहे थे मैं क्यों कहूँगा भाई हम तो नीतीश जी की ऑलरेडी लिए ऑलरेडी दरवाजा बंद कर दिए हैं मैं बार बार कहता हूँ कि नीतीश कुमार खाते हैं औरी और ताकते हैं बरेरी नमस्कार मैडम आलोक है आप लाइव स्टीर देख रहे हैं बिहार में युवाओं को अब रोजगार मिल रहा है महागठबंधन की सरकार दस हजार लोगों को कल नियुक्ति पत्र बांट चुकी है इस दिवाली के अवसर पर और आईना दिखा रही है नीतीश कुमार भी कह रहे थे तेजस्वी यादव भी आई दिखा रहे थे कि दो को रोजगार देने का वादा किया था कहाँ है बिहार मॉडल को अब देश लागू करेगा इस वक्त हमारे साथ नवल किशोर यादव बीजेपी के मंत्री हैं अब तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई लोगों को नौकरी मिलना शुरू हो गया रोजगार मिलना शुरू हो गया आप देख रहे हैं ना ये देख रहे हैं ना बहुत बढ़िया से देख रहे हैं आईना दिखा रहे थे कल एकदम आईना तो ऐसा दिखाया ऐसा दिखाया चीफ मिनिस्टर ने कि बेटा को बैठा के माए बाप को गाली दिया ऐसा आईना दिखाया कि मुंह भी खड़ा कर दिया आईना नीतीश कुमार ने कहा कि हमसे पहले 2005 के पहले जो क्या स्थिति थी लड़कियां घर से नहीं निकलते थे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और आज देख लीजिए जो कल तक नीतीश कुमार लालू यादव को गाली देते थे जंगल राज यही कहने वाले लोग हैं राबड़ी देवी को सदन से लेकर सड़क तक अपमानित करते थे फिर एक बार बेटा को बैठा के तेजस्वी यादव को बैठा के और उन्होंने इतना से आईना दिखलाया और गाली दिया धन है वो बेटा जो बाप और माए का गाली सुन रहा है अपमान सुन रहा है और बैठ के सुन रहा है तो सत्ता का ललुपता इतना है तो 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 थोड़ी कर रहे थे नहीं वो हमको आपको कह आप रहे थे ना आप सरकार में थे नीतीश कुमार जी से पहले सरकार में आप थे ना आप लोग थे ना लेकिन बीजेपी अरे तो हम तो हम सरकार में हम तो सरकार में उनका सबोर्डिनेट था वो अपने सरकार को गाली रहे थे क्या उन्हीं के सरकार में लड़कियां घर से नहीं निकल रही थी बच्चे किरना पो रहे थे उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि 2005 वाली बात तो नहीं की तो, तो उन्होंने कहा हमसे पहले के सरकार तो केदार पांडे जी के बाद के रात सरकार में आए हैं राबड़ी देवी जी के सरकार के बाद में आए हैं धन्य है ऐसा आदमी और या तो यह कहें कि अपमानित करने के लिए ही वो जिम्मा ले रखे हैं ये आर के लोगों को कोई लोक लज्जा नहीं है कि जो आज भी समर्थन लेके अल्पमत में रहने वाले आदमी समर्थन लेके मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं और उसी आदमी को गाली बक रहे हैं कि हमसे पहले सब खराब था या आए तो सब के स्वर्ग में सीढ़ी लगा दिए अरे जो थोड़ा मोड़ा काम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के वजह से अब एक खिसलाहट में क्योंकि क्या बोलते हैं इनको खुद पता नहीं है आप नवल जी, आप आरजेडी के कार्यकर्ताओं को जितने उनके लोग हैं उनको आप अपमानित कर रहे हैं ये बोल कर हम अपमानित कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अपमानित कर रहे हैं आईना नीतीश कुमार उनको दिखा रहे थे हम अपमानित कर रहे थे आरजेडी को सिर्फ लालू यादव और राबड़ी देवी को अपमानित नहीं किए बल्कि ये बात कह के खुली मंच से आर के जो मतदाता हैं जो समर्थक समर्थक हैं जो लोग हैं मतदाता उनको गाली दे रहे थे कि आप जिनके समर्थन से सरकार चला रहे हैं तो दे, दे, कहा अरे और कैसा गाली दे कहे कि हमसे पहले क्या आपने देखा था ना क्या था सरकार में घर से लड़कियां नहीं निकलती थी बच्चे किरने पो जाते थे कुछ नहीं था पीएम सी पीएमसीएच की पीएमसीएच की, की लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी अब तो अब निकालिए ना क्या कह रहे थे किसको गाली रहे थे? को गाली दे रहे थे तेजस्वी यादव तो तो मतलब को गाली दे रहे थे गाली देके कि ये जंगल राज था ये तारीफ कर रहे थे आपके माता जी को और पिताजी को अपमानित करे और आपका तारीफ हो जाएगा धन है ऐसे लोगों को लोग कम से कम लोक लज्जा भी रखना चाहिए जो आ, और इस आदमी को साहस कैसे हुआ कि जिसके समर्थन से सरकार चला रहे हैं उसी को हम गाली बकरे तो ना हम कहला लड़ाई लगा हम ही कहते नीतीश कुमार जी की जाइए आईना देख लाइए तेजस्वी जा यादव को हम कहते कि आईना लेके लालू यादव को और राबड़ी देवी को गाली कहिए कि जंगल राज था और लड़कियां घर से नहीं निकलती थी ये तो नीतीश जी कह रहे हैं मैं क्यों कहूंगा भाई हम तो नीतीश जी की ऑलरेडी उल्रे, लिए ऑलरेडी दरवाजा बंद कर दिए हैं आप नहीं आ सकते हैं तेरे? सवाल ही नहीं उठता है जो जनाधार विहीन हो जिसका मानसिक संतुलन ऐसा हो कि जिस मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार खाते हैं ओरी और ताकते हैं बरेरी ये सबको नापना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी इनको नापते रही है इसलिए ऐसे लोगों को मेरे यहाँ दरवाजा परमानेंट बंद है वो अब नीतीश कुमार जी वहीं गाली बक्ें वहीं अपमानित करें और वहीं रहें और ये लोग अपमान सहते रहे और जो लोग इनके मतदाता प्रधानमंत्री बनाने चले थे अब मुख्यमंत्री के बीच में ही गाली देने लगे देखिए जिस तरीके से अब बीजेपी ने जो ट्रंप कार्ड खेला है बीजेपी जो बता रही है क्या असलियत है वो जनता अब समझे जनता जान रही होगी क्या कल तेजस्वी यादव को मंच पर बैठा कर नीतीश कुमार ने जो नाप से कहा है वो उनको लेकर के था पहले की सरकारों को लेकर जो ताना मारा है क्या तेजस्वी यादव के सामने उन्होंने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल की जमकर की बुराई की बीजेपी सवाल खड़े कर रही है सोचना इस पर आरजेडी को है तेजस्वी यादव को है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें धन्यवाद